आज लगता है टीएन सेशन का शासन होता, अगर टीएन सेशन का चुनावी शासन होता तो डंडा होता, तुरंत सुदेश महतो का गिरफ्तारी होता और एक कैंडिडेट को भी दो नंबर ही। सब लोग जो है हमम में सब नंगा होते हैं, तो यहाँ जो है ना यहाँ पे सब नंगा है भ्रष्टाचार में। लेकिन तो आप एक मजे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, तो एज अ सूर सिंह बेसरा से कहाँ चूक हो गई कि ऐसे उम्मीदवार को आपने टिकट दिला दी? तो मेरा बनाया हुआ सूर सिंह बेसरा वैचारिक रूप से जो बनाया, गठन किया, नेतृत्व किया, उसको सुदेश महतो ने पहले एजेक्ट किया। आज सुदेश महतो सूर सिंह बेसरा के राजनीतिक पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी उसके उम्मीदवार को भी एजेक्ट किया। पहले आजसू को एजेक्ट किया, अब हमारा जेपीपी के कैंडिडेट को एजेक्ट किया। तो हताशा निराशा में हमको कहना पड़ा क्या उम्मीद किया जाए 2024 में, जो आज चुनाव होगा तो झारखंड का तस्वीर बदल जाएगा। तो ये हताशा निराशा में बहुत बड़ा कुठाराघात है और बहुत बड़ा ठेस है, और इसके बीच में जो है ना हमने यही बोला कि इससे बढ़िया होगा राजनीति संन्यास। लेकिन आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि राजनीति से हम संन्यास। मैं किसी को अगर ठेस नहीं होगा तो ठोस नहीं होगा, ये एक फॉर्मूला है, ठेस नहीं होगा तो ठोस नहीं होगा। कानून का दरवाजा खटखटाएंगे और न्याय के लिए पुकारेंगे कि आज चुनाव के पहले अगर कैंडिडेट पैसा से बिक जाएगा तो झारखंड में तो इन 23 वर्षों में नहीं। हम लोग डुमरी में आज बात करेंगे, उनका प्रस्ताव आया हुआ है, एकमात्र उम्मीद लगता है कि ओबीसी का पार्टी का उम्मीदवार प्रस्ताव दिया हमें समर्थन। अगर ये 2024 में थर्ड फ्रंट में आएंगे हमारे साथ तो उसके बाद जो है ना हम उनको समर्थन के लिए विचार करेंगे अभी। लेकिन महतो समीकरण भी लगाना पड़ेगा, मुस्लिम समीकरण भी आना पड़ेगा, आदिवासी मूलवासी, तो कुल मिला के हम सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, महतो समीकरण हम जयराम महतो का ग्रुप को भी बोलेंगे, तुम लोग भी महतो ग्रुप आ जाओ, फिर आदिवासी ग्रुप, तो हमारा एसटीएससी ओबीसी माइनॉरिटी। बात किए जयराम महतो का तो फिर हम उसी को आगे बढ़ाएंगे कि वो तो साफ आने को तैयार नहीं है, भाई बोल रहे हैं कि मेरी पार्टी खुद की है तो मैं किसी के साथ क्यों जाऊँ। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ हैं पूर्व विधायक व झारखंड आंदोलनकारी सूर सिंह बेसरा। जैसा कि आप सभी को पता है कि डुमरी उपचुनाव में क्या कुछ हो रहा है और काफ़ी खफा दिख रहे हैं, कई बातें सामने आ रही है पूर्व विधायक सूर सिंह बेसरा के द्वारा, अब हमारे साथ मौजूद हैं, जान लेते हैं दादा डुमरी उपचुनाव में कहाँ गलतियाँ हुई, आखिर ये कैसे क्या हो रहा है? देखिए, एक तो चुनाव में जो अनियमितता, मैंने अनफेयर जो बोला जाता है कि जो नियम कोड ऑफ कंडक्ट बना रहता है चुनाव आचार संहिता, और जब तिथि घोषणा होती है तो आचार संहिता लागू होता है, मैंने कोई सरकारी काम नहीं होगा, उद्घाटन नहीं होगा, नियम को पालन करना होता है। मैंने बिल्कुल सादगी से वो नियम के आचार संहिता को सबको, जितना भी बड़ा नेता हो, कहाँ हेलीकॉप्टर उतरना है, कहाँ जनसभा करना है, कहाँ दीवार में लिखना है, क्या बोलना है, सारे चीज़ पे ये इतनी मोटी किताब जो है चुनाव आयोग के ओर से, ये किताब में सारी चीज़ है, कैंडिडेट को क्या क्या करना है और कैसे नॉमिनेशन भरना है। तो मैंने, हम लोगों ने एक बनाया, विधायिका पाठशाला चला रहे थे, इस बीच में डुमरी उपचुनाव घोषणा हो गई तो हम लोगों ने तय किया है क्यों नहीं हम लोग झारखंडी खतियानी मोर्चा से एक उम्मीदवार ट्रायल बेसिस में किया जाए। लोग उम्मीद कर रहे थे शायद वहाँ पे डुमरी में विगत दिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को चुनौती देने वाला एक शख्सियत, जिनकी युवाओं की आवाज़ बोला जाता है, उसका नाम जयराम महतो, और उम्मीद किया जा रहा था कि शायद जयराम महतो डुमरी विधानसभा में वो उम्मीदवार खड़ा करेंगे। लेकिन जब पता चला कि डुमरी उपचुनाव में जयराम महतो के ओर से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा, जैसा कि रामगढ़ में भी उपचुनाव हुआ वहाँ भी कोई खड़ा नहीं किया, तो हम लोगों ने सोचा ये तो फ्री गोल दे रहा है, ये तो वॉक ओवर दे रहा है। तो जब हम भाजपा को भी हम काटघेरा में खड़ा करते हैं, और वर्तमान जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसको भी हम बकसते हैं, और उनको भी काटघेरा में खड़ा करते हैं, आलोचना करते हैं, चाहे स्थानीय नीति को लेके, नियोजन नीति को लेके, जो भी हो, तो हम लोग लगता है कि शायद वो कैंडिडेट करेगा। जब नहीं हुआ तो हम लोगों ने डिसीजन दिया कि चलो हम लोग डुमरी चलते हैं, कौन इच्छुक है। तो पता चला कि बैद्यनाथ महतो एक जिला परिषद के सदस्य है और बहुत सारे ऐसे कृषि के क्षेत्र में काम किया है, और
बहुत अच्छा धक्कड़ है और मैंने बहुत अच्छा जमीनी पकड़ है। तो हम लोग बोला कि जमीनी पकड़ हो और नेतृत्व में धक्कड़ हो, लोकल भी हो भोकल भी हो, तो मुझे पता चला कि उसके लिए फिट है तीसरा मोर्चा के लिए बैद्यनाथ महतो। तो हम लोग डूंगरी चले गए, तो डूंगरी हम 16 तारीख को चले गए, 16 अगस्त को। तो उससे बातचीत हुई, वो सहमति दे दिया। सहमति देने के पहले उन्होंने फॉर्म भरा कि मैं इच्छुक हूँ झारखंडी खतियानी मोर्चा से, फॉर्म भर दिया, फोटो चिपकाया, साइन किया और हमने स्वीकृति दे दिया। और उसके बाद बोला कि हम लोग 17 तारीख अंतिम दिन है, नॉमिनेशन पढ़ेंगे। तो बोलता है कि सवेरे बेस से करना पड़ेगा, 12 बजे तक हम लोग कर देना होगा। तो हम लोग जो है ना 4 सेट उन्होंने नॉमिनेशन पर भरा। तो नॉमिनेशन पेपर ले आया तो मैं अपने कलम से उसको मैं नामांकन पत्र शुरू किया, उनको बगल में बैठा था वो। और 10 गो प्रस्तावक का जरूरत होता है, हम मिलान किया भोटाली से मैंने निर्वाचन नामावली में, और उसके बाद सबको मान मिलाते हुए सिग्नेचर मैं अपने हाथ से लिखा भी। और जब टाइम हो गया जो एफिडेविट करना है, हम बोला चलो भीड़ भड़क, उसके पहले ही जो है ना दूसरे पार्टी के लोग, जेएमएम के कैंडिडेट, आजसू पार्टी के कैंडिडेट अंदर घुस गया, काफ़ी ठेलाम ठेली, पानी गिर रहा, हम लोग दीवार फाँद के चला गया हम लोग। और अंदर में वहाँ वकील से नोटरी कराया, नोटरी में भी मैं रहा। और उसके बाद हम लोग जो है 2-3 आदमी चले गए और रिटर्निंग ऑफिसर के वहाँ दाखिल हो गए और 1 सेट भरा। और 1 सेट भरने के बाद बोला कि ये नॉमिनेशन पेपर बहुत बढ़िया भरा, कि आप निर्दलीय? बोलता नहीं, झारखंड पीपुल्स पार्टी। तो हमने झारखंड पीपुल्स पार्टी का चुनाव का जो नियम है आचार संहिता निर्वाचन आयोग का, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है या तो नेशनल पार्टी होता है जैसे बीजेपी, और स्टेट पार्टी होता है आजसू पार्टी और जेएमएम, तो हम लोग झारखंड पीपल्स पार्टी है, तो ये हो गया रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी जयपुर। तो उसमें हम फॉर्म ए भरा, फॉर्म बी भरा, ये नियम के मुताबिक पार्टी कैंडिडेट के लिए जरूरी है। उसके बाद झारखंड पीपल्स पार्टी लेटर हेड में मैं अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित करते हुए मैंने कलश हंडी छाप अपॉइंटमेंट करने का दिया और सारे प्रक्रिया हो गया। उसके बाद स्क्रूटनी 18 को हो गया चुपचाप, कैंडिडेट ठीक ठाक है। अचानक 19 तारीख को सुदेश महतो जो है सिल्ली के विधायक, पार्टी झारखंड आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, फिर गोमिया का जो MLA लंबोदर महतो आता है, और प्रवक्ता देवशरण भगत आते हैं, और पूर्व MLA चंदन क्यारी का जो है ये रजक जी आते हैं, उमाकांत रजक जी। तो इन लोगों को दिखाई दे रहा है टीवी में, फोटो में हमको मिल गया। और उसके बाद वो उसको अपहरण, एक तरह से उसको अपहरण बोला जाएगा, वो ले गया। 5-6 घंटा खोजने लगा, मोबाइल बंद हो गया उसका, और लोग हवा अफवाह उड़ने लगा उसको अपहरण हो गया। जब किसी आदमी को अपना पार्टी कैंडिडेट हो जाए और दूसरा पार्टी का नेता आके उसको ले जाए, उसको क्या बोला जाएगा? भला के, फुसला के, डरा के, धमका के। और बाद में क्या किया, 5-6 घंटा के बाद फिर न्यूज में आता है कि नहीं वो सहमत हो गया और वो विथड्रॉ करेगा और आजसू पार्टी के उम्मीदवार को करे। मतलब कि वो क्यों उम्मीदवार, चल क्यों विथड्रॉ करेगा, वो तो झारखंड पीपुल्स पार्टी का है। सुदेश महतो के उम्मीदवार तो जसोदा देवी तो आजसू पार्टी के उम्मीदवार है, तो 2 पार्टी अलग हुआ ना। और ये आचार संहिता का ये तो खुलम खुलम उल्लंघन है। उनको डराया होगा, धमकाया होगा, रुपया पैसा का बड़ा बात होगा। आजकल मुद्दा का राजनीति नहीं होता, मुद्रा का राजनीति होता है। तो हमने कहा, चिट्ठी लिख दिया मैंने तुरंत 20 तारीख को, हमने ये चिट्ठी मैंने सब प्रेस को भी जारी कर दिया। 20 तारीख को हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव को हमने उसको व्हाट्सएप कर दिया। और ऐसे हुआ तो मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को बोल दिया 20 तारीख को कि चिट्ठी आदेश आ गया है, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि मेरा JPP का कैंडिडेट विथड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि हम टिकट देने वाला मैं हूँ, लेटर देने वाला नहीं हूँ। हमारा JPP है, उसको एजेक्ट नहीं कर सकता, और इसके लिए कार्रवाई करी। पता चल गया 21 तारीख को कि 11 बजे आ गया, उसको कुछ पूछताछ किया और उसके बाद जो है ना विथड्रॉ करा लिया। तो उसके बाद भी आज मैं आया रांची और इसका दफ्तर में आके जब हेलो किया, बोला मैं डुमरी में हूँ, चुनाव कार्यों में हूँ। हमला कर क्या हुआ कार्रवाई? बोला उनसे पूछताछ किया गया, क्या कार्रवाई हुआ? बोले नहीं, जो क्या डिसीजन लिया चुनाव आयोग को हम लोग भेजे हैं, उसी की कॉपी आपको देंगे। तो अभी तक तो कॉपी नहीं मिला है। अगर हमारा कहना है ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, चूँकि आजसू पार्टी अलग है, अगर हम नामांकन कराते हैं तब तक हमारा JPP कैंडिडेट ऑफिशियली है वो, और सूची भी जारी कर दिया है वहाँ का निर्वाचन पदाधिकारी, वहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर, कि ये 6 गो जो है ये पार्टी का उम्मीदवार हो गया। तो ऑफिशियली मेरा कैंडिडेट बैद्यनाथ महतो JPP कैंडिडेट होता है। और 21 तारीख को
और पहले ही आप उसको जबरन प्रलोभन जो भी किया हो, डराया धमकाया, पैसा का मामला तो बहुत बड़ा संगीन मामला है, और ये आचार संहिता में उल्लंघन का मामला है। इसीलिए हमने कहा इंक्वायरी कीजिए, करिए, आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अगर नहीं होता है तो मैं बाध्य होकर के मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और हाईकोर्ट में इसके लिए हम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पार्टी बनाएंगे, रिटर्निंग ऑफिसर डुमरी SDO को पार्टी बनाएंगे, और उसके बाद जो है ना हम ये आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो को पार्टी बनाएंगे, प्रवक्ता को बनाएंगे, या जो जो MLA उनको पार्टी बना के हम ये कानूनी कार्रवाई के लिए आज हम घोषणा कर रहे हैं प्रेस में कि हम कानून के दायरे में इसका न्याय होना चाहिए, बस यही आज के लिए घोषणा है। तार इसके बाद जो भी ये हुआ आपने विश्वास किया और आप कई पत्रों के माध्यम से ये लगातार कहते नजर आए कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ, ऐसे में जो परिस्थितियां अब उत्पन्न हो रही है इस झारखंड का, कुछ नहीं हो सकता, मैं अब राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, इतने खफा आप दिख रहे हैं। देखिए हताशा निराशा में अब हमको लगता है कि उम्मीदों में पानी फिर गया हो, और हम ये प्रयास कर रहे थे लगातार, ये जो मैं 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बनाया, उस आजसू को मेरे नेतृत्व में आजसू के बैनर पे 72 घंटा झारखंड बंद हुआ 89 में, और मैं झारखंड आंदोलन 50 साल में कोई MLA कोई MP कोई नेता, बड़े से बड़े नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, झारखंड पार्टी के नेता हो, दिल्ली लेवल में ऑफिशियल वार्ता नहीं है, इतिहास में नहीं जिक्र है, लेकिन सुर सिंह बेसरा के नेतृत्व में राजीव गांधी प्रधानमंत्री, बूटा सिंह होम मिनिस्टर, उस लेवल में झारखंड आंदोलन को पहुंचाया, 19 MLA करोड़ रुपया में बिक गया, और मैं 91 में एक 5 साल का MLA 1 साल 5 महीने में विधानसभा से त्याग देके इतिहास रचा, यानी विधायक पद से मुझे त्याग देना पड़ा, यानी झारखंड आंदोलन को विस्फोट बना करके इतिहास रचना पड़ा, और बाद में वही आजसू को सुदेश महतो ने 2002 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को हेजेक कर लिया, पॉलिटिकल पार्टी बनाया, चुनाव आयोग दिल्ली जाना पड़ा मेरे को और इसका रद्द करना पड़ा, और 2007 में आजसू का जो ब्रांड नेम है जैसे टाटा बिड़ला डालमिया ब्रांडेड नाम आजसू, आजसू को फिर आजसू पार्टी बना दिया, मतलब सुदेश महतो पहले ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को हेजक किया, पार्टी बनाया, बाद में आजसू पार्टी बना दिया, तो मेरा बनाया हुआ सुर सिंह बेसरा वैचारिक रूप से जो बनाया गठन किया नेतृत्व किया उसको सुदेश महतो ने पहले एजेक किया, आज सुदेश महतो सुर सिंह बेसरा की राजनीतिक पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी उसके उम्मीदवार को भी एजेक किया, पहले आजसू को एजेक किया, आप हमारा JPP के कैंडिडेट को एजेक किया, तो हताशा निराशा में हमको कहना पड़ा कि ऐसे परिस्थिति में एक ही विकल्प लगता है कि सुर सिंह बेसरा जो लगातार प्रयास कर रहा हूँ इन 23 साल के अंदर में, आज जो है ना 11 बार मुख्यमंत्री बनता है, 11 बार सरकार बनती है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है और 5 बार चुनाव होता है, क्या उम्मीद किया जाए 2024 में जो आज चुनाव होगा तो झारखंड का तस्वीर बदल जाएगा, तो ये हताशा निराशा में बहुत बड़ा कुठाराघात है और बहुत बड़ा ठेस है, और इसके बीच में जो है ना हमने यही बोला कि इससे बढ़िया होगा राजनीतिक संन्यास, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे राजनीति का संन्यास हमने बोल दिया, इतने घंटी बजा मेरे मोबाइल में, इतना मैसेज आया, और आज तक भी ये दुहाई है रास्ते में रात में कि आपको संन्यास नहीं लेना है, क्योंकि आज इस उम्र में भी, आज 67 की उम्र में भी मैं आज मेरे 25 साल के नौजवान की जो इस खून दौड़ता है और सोच होता है दिन रात में जो सुने नहीं देता, इसीलिए बोलता है आपको संन्यास नहीं देना है, तमाम युवा पीढ़ी तमाम बुद्धिजीवी साहित्यकार पत्रकार खड़े रहिए, 2024 में बदला होगा, मैं इतने लोगों का सुझाव आया तो मैंने आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि राजनीति से हम संन्यास नहीं लेंगे, जनता की मांग है, और जब तक सांस तब तक आंस, मैं लड़ते रहूँगा और संघर्षशील रहते रहूँगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो और आचार संहिता, आज लगता है TN सेशन का शासन होता, अगर TN सेशन का चुनावी शासन होता तो डंडा होता और तुरंत सुदेश महतो का गिरफ्तारी होता और एक कैंडिडेट को भी 2 नंबरी, तुम JPP का कैंडिडेट होते हुए तुम पार्टी नहीं चाहते हुए तुम विथड्रॉ करने वाला कौन होते हैं, इस नियम में इस बुक में है ऑलरेडी, इसलिए मैं हाईकोर्ट जाऊँगा और इन लोगों के खिलाफ हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे और न्याय के लिए पुकारेंगे कि आज चुनाव के पहले अगर कैंडिडेट पैसा से बिक जाएगा
तो झारखंड में तो इन 23 वर्षों में बिकाऊ विधायकों का सर्टिफिकेट मिल चुका है। यहाँ केडी सिंह आया हरियाणा से, थैली से आई, एमएलए को खरीद लिया और राज्यसभा चुन के गया। परिमल नाथवाणी बॉम्बे से आया, थैली से आई, और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्दलीय सबको खरीदा, झोला में भरा, राज्यसभा चला गया। आज भी राज्यसभा में जो आता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, क्या झारखंड आंदोलन में कोई योगदान है? वो कहाँ की है? खतियानी है? तो ये गलत राजनीति क्या विपरीत में ये मेरी एक आवाज है। मैं जेपी आंदोलन के लिए 74 में जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन, आज मैं संन्यास नहीं लूंगा, आज मैं फिर उठ के खड़ा हूँ, आज फिर से जुआ हो गया हूँ। मेरी त्याग, मेरी भावना, मेरे विचार, झारखंड को लुटेरों का अलीबाबा 40 चोर है, इसीलिए मैं जब तक मैं मेरी सांस रहेगी तब तक राजनीतिज्ञ के रूप में मैं जो है ना छोड़ूंगा नहीं। मैं चुनौती देता हूँ कि ये जो मैं बनाया हूँ, जो झारखंड का स्थानीय नीति सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकता उसका ऑर्डर को मैं दिया हूँ, हाईकोर्ट खारिज नहीं कर सकता उसका साथ जजमेंट को दिया हूँ, मैं 29 को राज्यों का स्थानीय नीति को परिभाषित किया हूँ, अविभाजित बिहार का दिया हूँ, मैंने ऐसा अपने ड्राफ्ट किया हूँ, ये ड्राफ्ट को चैलेंज करता हूँ यहाँ का ब्यूरोक्रेट नौकर साह झारखंड का सभी पार्टियों को। सुर सिंह बेसरा भाषण नहीं देते हैं, कलम चलाते हैं और कानून का विशेषज्ञ बनता है, और मैंने यहाँ पे कर दिया ये गैर सरकारी, ये विधेयक मैंने तैयार कर दिया, इसको लोग पढ़ ले, दो एक लाइन का तो स्थानीय नीति बनाना है। तो इसी तरह मैं 2024 में मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, और संघर्ष के राह पर, पथ पर आगे चलूंगा। हैं, हम जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो, मेरी स्लोगन है आज सुख समय, आगे आगे हम चले, पीछे पीछे तुम भी आओ, आगे आगे हम चले, पीछे पीछे तुम भी आओ, जनता तुम भी आओ, शहीदों के मार्ग पर हैं ये संघर्ष के रास्ते पर शहीदों का गान गाओ, बिरसा मुंडा का, उलगुलान का गान गाओ, शहीदों का, तो बदलाव जरूर करेंगे। और उम्मीद है कि जेपी ने ललकारा था 74 में और 77 में सत्ता बदला था, मैं आह्वान करता हूँ, ललकार कर रहा हूँ, ये बीजेपी गठबंधन, जेएमएम गठबंधन, ये दिखता तो दो पार्टी है लेकिन अंदर में मिला हुआ है, क्योंकि अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बना तो जेएमएम के संग समर्थन से बना, अर्जुन मुंडा अकेले नहीं बन पाया, 18-18 महीना का जो शेयर था, और शिबू सोरेन 3 बार जो मुख्यमंत्री बना वो बीजेपी गठबंधन बना। 2024 में अंदेशा है अगर बहुमत नहीं मिलेगा तो दोनों मिलके इन लोग मिलीजुली सरकार बनाएंगे, ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दिखता तो एक बीजेपी गठबंधन, दिखता तो एक जेएमएम गठबंधन, लेकिन अंदर में है उसका प्रमाण बोलता हूँ कि स्थानीय नीति नहीं बनाया, जानबूझ के रिजेक्ट कराया। आज भी रघुवर दास का स्थानीय नीति 1985 चल रहा है, आप जांच कर लीजिए, आज 1985 का स्थानीय नीति आज जेएमएम चला रहा है, हेमंत सोरेन चला रहा है, किसका नीति? रघुवर दास का। किसका नीति? बीजेपी का। इसलिए इन लोगों में बांट लिया है, एक ही थाली के चट्टे बैठे, इसलिए तीसरा विकल्प का जरूरत है। तो आप एक मजे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, तो एज अ सुर सिंह बेसरा से कहाँ चूक हो गई कि ऐसे उम्मीदवार को आपने टिकट दिला दी? चुक नहीं है, हम लोगों ने ऐलान किया था जो एक बार भी विधायक ना बना हो या एक बार विधायक या मंत्री बना हो, एमपी बना हो, उसको हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो जितना भी जांच करेंगे वो घोटाला साबित होगा, एकदम घोटाला। ऐसे दंपत का मामला है, सीबीआई का केस है, ईडी का केस है, वो तमाम लोग कोई दूध का धोया हुआ नहीं। तो मैं जो पाठशाला हम लोग जो चला रहे हैं विधायी का पाठशाला, उसमें हम लोग नया लड़का को ट्रेंड कर रहे हैं, उम्मीद है कि बदलाव होगा, हमसे कोई भूल चूक नहीं हुआ। वो लड़का आजसू का आदमी था, आजसू मैंने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, मेरे नेतृत्व के समय में जूनियर था, और 95 में झारखंड पीपुल्स पार्टी का डुमरी जिला का कोषाध्यक्ष रहा, वो बयान में भी बोला है, वो मतलब वो कोई बाहरी नहीं है, कोई अनजान आदमी नहीं है। भूल चूक हुआ नहीं हुआ, मेरे से धोखा हुआ कि उनके साथ बार्गेन हुआ, वो डराया धमकाया नहीं है, बोल रहा है कि मैं मर्जी से कोई अपहरण नहीं किया, बोला है बयान में, और बोला है कि कोई हमको डराया धमका नहीं। आज मुद्रा का राजनीति जब होगी तो मेरे अंदेशा है उसका भी सीबीआई तक अगर जाना पड़ेगा, पहले तो हाईकोर्ट क्या देता है, तो हमारा कहना है कि अच्छा बड़ा डील हुआ होगा, रुपया पैसा का खेल हुआ होगा और इसमें बोल दिया है, और नहीं तो हमारा पार्टी को कैसे पटा लेगा बताइए ना।
कैसे पटा लेगा? मेरा पार्टी तो जेपीपी कैंडिडेट है, आजसू पार्टी का नहीं है वो, अधिकृत रूप से। तो कैसे बोलवा दिया? बोलता नहीं, स्वेच्छा से मैं वापस ले रहा हूँ। और कैसे बोल दिया कि हमारा पार्टी से कैंडिडेट खड़ा होगा और बोलेगा हम जसोदा ये को देवी को सपोर्ट करेंगे आज सुबह। ये तो गलत है ना, ये तो नहीं, ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। आपका गठबंधन नहीं है जेपीपी, आज सुबह पार्टी गठबंधन नहीं है। नीति पर मुद्रा भारी पड़ गया, नहीं मुद्दा पे मुद्रा भारी पड़ गया, नीति पे नेता भारी पड़ गया, ऐसा बोलिए। नीति पर नेता भारी पड़ गया, मुद्दा पर मुद्रा भारी पड़ गया, और दोनों को खारिज करेंगे और हम लोग मूल्यों की राजनीति करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्या होने जा रहा है। हमारा अभी प्रस्ताव आया दो बड़ा पार्टी से। प्रस्ताव एक है कि ओबीसी का पार्टी, आप जान रहे हैं ओबीसी एक तहलका मचाने वाला, माइनॉरिटी को कहा जाए माइनॉरिटी, खासकर मुस्लिम समुदाय का प्रखर प्रवक्ता पूरा जानकार आदमी, उनकी पार्टी यहाँ पे है। हम लोग विचार करेंगे, अभी थोड़ी देर में मीटिंग भी होगी। एक प्रस्ताव आया है कि वहाँ कोई मौलाना उनका पार्टी का AIMIM उसका उम्मीदवार है। प्रस्ताव आया है कि हमारा समर्थन। हमने फिर बोला है कि अगर आप तीसरा मोर्चा का घटक बनेंगे, यानी अभी हम उसी शर्त पर आपको समर्थन करेंगे, 2024 में अगर ओबीसी पार्टी हमारा थर्ड फ्रंट में तीसरा विकल्प में आप आएंगे तो आपको हम डुमरी में समर्थन करेंगे। वो समर्थन मांगा है, ठीक है, तो आज शाम तक डिसीजन हो जाएगा। दूसरा चीज है कि बहुजन समाज पार्टी मायावती की, उनका जो है जिला डुमरी जिला का अध्यक्ष से हमारा है, उन्होंने प्रस्ताव दिया 10 तारीख को मीटिंग, हमको आमंत्रण किया है ये बहुजन समाज पार्टी, तो वो भी चाहिए। दूसरी बात है एनी होरो के जो राजनीतिक पार्टी, एनी होरो की पार्टी है अभी खूंटी इलाके में मुंडा लोगों का, तो ये तमाम। उसके बाद है विनोद बिहारी महतो का एक पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलन, धनबाद बेस है वो, कृष्णा मांडी अध्यक्ष हैं, बेनीलाल महतो हैं। तो ये जो 8-10 पार्टी सब लोग सहमति बना लिया है, हम लोग डुमरी चुनाव के बाद बैठक करेंगे और पॉलिटिकल पार्टियों का एक तीसरा विकल्प, एक मजबूती विकल्प बनने का आसार है। हमें उम्मीद है कि मजबूत बनेंगे, चाहे ओबीसी का पार्टी हो। मैं और दूसरी बात है, हम लोग जो है ना कुछ घोषणा हम लोग इस तरह करना चाह रहे थे, वो सबका घोषणा पत्र ऐसा होगा आने वाला दिन में, अभी हम खुलासा नहीं कर रहे हैं। एक बार प्लेटफॉर्म बन दीजिए, एक नया नीति, नया प्रयोग, नया आशा, नया उम्मीद ये जगेगी। अब भ्रष्टाचार जी अंकुश नहीं लगेगा, अगर भ्रष्टाचार उनको ईडी क्यों है, सीबीआई क्यों है, अभी है ना, मुख्यमंत्री को दो बार बुलाया जाए, एक बार बुलाया फिर 24 को बुला रहा है, नहीं आएंगे फिर बुलाएंगे, कार्रवाई तो होगा। तो कहने का मतलब है झारखंड आज भ्रष्टाचार में उसका अकंठ डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार का। कि मैं किसी को अगर ठेस नहीं होगा, ये एक फॉर्मूला है, ठेस नहीं होगा तो ठोस नहीं होगा। अगर अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी हिरोशिमा में अगर बम ब्लास्टिंग नहीं करता, उसको डैमेज नहीं करता, तो जापान फिर उठ के खड़ा हो गया, जापान फिर उठ के खड़ा हुआ। और टेक्नोलॉजी मामले में दुनिया में आज अमेरिका से चाइना से भी आज जापान सबसे आगे टेक्नोलॉजी में, यूपीए इंडिया हो गया, और एनडीए तो एनडीए है। तो पूरे राष्ट्रीय स्तर में आगामी लोकसभा के मद्देनज़र जो है भाजपा गठबंधन बना एक तो कांग्रेस बंधना, लेकिन आज भी जो है ना छोटे मोटे देश के अंदर में, खासकर मैं झारखंड में उन शक्तियों को एक करेंगे जो जल जंगल के लिए आंदोलन कर रहा है। हमको सोशल इंजीनियरिंग करना है, एसटी कहाँ है, एससी कहाँ है। आज अगर मान लीजिए यहाँ एसटी सीट 28 है, उसको हम कैसे जीतेंगे, ट्राइबल इशू क्या होगा। एससी सीट 9 है, तो अगर 28 और 9 एकजुट होगा तो 37 हो जा रहा है। तो 37 अगर जीत गया एसटी एससी समीकरण में, ठीक है, मुस्लिम नहीं आए उसमें, महतो भी नहीं आए, ठीक है, लेकिन महतो समीकरण भी लगाना पड़ेगा, मुस्लिम समीकरण भी आना पड़ेगा, आदिवासी मूलवासी, तो कुल मिला के हम सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि लालू राबड़ी है माई समीकरण बना के 15 साल किया, और मायावती उत्तर प्रदेश में, वहाँ बीजेपी कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव होते भी मायावती कैसे हिट कर गया, सोशल इंजीनियरिंग किया, दलित को लेके किया हो, और 4 बार मुख्यमंत्री बना। हमको लगता है यहाँ एक नया प्रयोग हम करने जा रहे हैं झारखंड में, मतलब वो मायावती अगर आती है, उसका पार्टी बीएसपी आती है, प्रस्ताव आया है, और ओबीसी का आता है, तो दलित से आया, माइनॉरिटी से आया, तो महतो समीकरण, हम जयराम महतो का ग्रुप को भी बोलेंगे तुम लोग भी महतो ग्रुप आ जाओ, फिर आदिवासी ग्रुप, तो हमारा एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी, तो हमको तो टोटल सीट मिल जाएगा।
तो ये कितना कामयाब होंगे अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत बात की है जरा मतों का, तो फिर हम उसी को आगे बढ़ाएंगे कि वो तो साफ आने को तैयार नहीं है। भाई बोल रहे हैं कि मेरी पार्टी खुद की है तो मैं किसी के साथ क्यों जाऊं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।